बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक खरीयत नाल ही सो, मैं भी खरीयत नाल ठीक ठाक हाँ। बिजी बेबे तुहाडे वास्ते अज एक मिठी रेसिपी गिन के आई है, तो हुण असां इक तैयार करने आए, तो दूसरे को एप्पल असां सेबे को बरीक बरीक कतले बना दिते ई शक्ल विच, ई शक्ल विच साडे पीस तैयार थी गए, तो असां चूल्हे विच बाल लीती है, फ्राई पैन भी तैयार है। तो हुण तुसां देखो असां इहदे विच दू चम्मच देसी घी ऐड करन दे बाद असां इक चूल्हे ते रख दिता है, तो एक केक दी रेसिपी तैयार थींदी पई है। मिठी चीज़ वास्ते दिल कीते ते फौरन उठो ते इक तैयार कर गिनो। ये नहीं सिर्फ असां खा सकसूं बल्कि इतना अच्छा टेस्ट बन लैंदा, मेहमान दे कोई पेश कर सकते से। इंदे विच असां ऐड क्या करदे पए से, दू चम्मच पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी दा ये फायदा है कि जल्दी मिक्स थी वेंदी है, ते जिहड़ी चीज़ असां इंदे ऐड करे सूं ते उंदे अंदर भी जल्दी जज़्ब थी वेंदी है। मजबूरी है नहीं पीसे सकदी, तुसां बगैर पिसी हुई पा सकदे वे, इह कि थोड़ा उहको टाइम ज़्यादा लगदे। ते इह जिहड़े वेले अपनी शक्ल चेंज करदी है, गोल्डन थींदी है, तो असा इन ऐड कर देसूँ अपने जरे असा कट के एप्पल रखे हुए हैं, असा बने पे एप्पल का केक। तुहाडे घर एप्पल कोई नहीं, आड़ू है आड़ू पा गिनो, आड़ू कोई नहीं अंगूर पा गिनो, कोई में खट्टा मिठा पा लो, केला वगैरह ना। असा एक इतना मिक्स करे सूँ आपस में, थोड़ा आधा मिनट देसूँ इन को पकावण ते, ताकि थोड़ा जहाँ गोल्डन शक्ल में आ वे, थोड़ा तो सौ देते पोस हल्की हल्की शक्ल चेंज भी थी वेंदी है, तो गोल्डन चाशनी भी उत्ते आ गई है, तो अपनी शक्ल ये भी पक के चेंज कर दे सन, थोड़ा गोल्डन शक्ल में आते तो वल उन्हें बाद अगो ब्या काम शुरू कर देसूँ इंशाल्लाह एक तैयार करने वास्ते। तो ये बहुत जल्दी तैयार थोड़ा वाली रेसिपी है, घर में जेरा फल है उनके नाल तुसा केक तैयार कर सकते वे, तो इन्हें बड़ा अच्छा टेस्ट आवे, तो इंजॉय करो सो खा के बना के देखो। तुसा सा को लाइक ते शेयर भी कीता करो। झटपट बनाने वाली रेसिपी है, वो जल्दी तैयार थी वेंदे, मेहमान आए सलाम करो, पानी जूस उन्हें को पेश करो तो फौरन तैयार है। असां दे विच अद्धा कप दूध इंदा हुण मिक्सचर केक दा असां तैयार करेंदे पैसे, इंदे विच दू चम्मच भर के पिसी हुई शुगर शामिल कीती है, चीनी शामिल कीती है, जेको खंड आ देसे असां देसी विच, अपनी सराकी जबान है साडी इको आखदे सो खंड, असां इंदे विच शुगर ऐड कर लीती है। इको शुगर ऐड करने बाद असां दू चम्मच मैदा गिन दे, दू चम्मच मैदे दे विच छोटी हाफ चम्मच कोलो भी थोड़ा कम असा मिठा सोडा शामिल करके मैदे मिक्स कर दिते। मैदे मिक्स करने दे बाद असा इन को दूध विच ऐड कर दिते, ये देखो दूध विच असा मैदा ते मिठा सोडा जिहड़ा असा मैदे दे विच मिक्स कीता है वो मैदा विच पा दिते, ते असा हुण इहदे विच शामिल करे सूं थोड़ी जिही दालचीनी, थोड़ी जी दालचीनी भी ऐड की है, तो इंदे विचों थोड़ी जी असा फूड कलर भी ऐड की है। फूड कलर दे नाल केक दा कलर अच्छा सी, ते दालचीनी दे नाल असा इंदे शामिल कीते एग अंडा। अंडे शामिल करन दी जरे दा ए है कि जिहड़ी असा इंदे शामिल कीती है दालचीनी ऊ अंडे दी स्मेल को खत्म कर देसी, अंडे दी स्मेल खत्म थी वेंदी है, तो बड़ी सोहनी जी खुशबू एक अपनी आंदी है ए दालचीनी दी, फील नहीं थी ना कि दालचीनी है, तो बहरहाल अच्छी जी केक दे खुशबू भी होंदी है। तो इन्हें असान इतना मिक्स करे सो इन्हें गुठलियां खत्म थी वन,
इंदिया गुठलियां खत्म करने वास्ते ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा अच्छा जिया मिक्स करी सी तकरीबन ये मिक्स थी गए। तो इंदे विच असां एक भी चीज़ भी ऐड करनी है जिंदे नाल केक विच अच्छी जी शैनेगा सी उंदी शैनेक को रखने वास्ते असां इंदे विच शामिल करने पैसे दो चम्मच ऑयल शामिल करने के बाद मजीद असा एक मिक्स करे सूँ थोड़ी बहुत जी सा गुठलियां बनिया वजन वो खत्म थी वजन। तो बहुत अच्छी रेसिपी है तुसा तैयार करो वाल सकू दसाया करो कमेंट दे विच। असा एक चूल्हे ते रख दिते जेड़ा असा पहले सेब तैयार किया है असा अग भी बाल लीती है एक चूल्हे ते रख दिते ते उत्था साडा साइड दे उते दूध बॉयल थींदा पे। देखो असा एक बराबर बराबर तह ला दी है उते इंदी तह लग गई सी इंदी तह लगने के बाद थोड़ी देर वास्ते असा बिल्कुल सेब जड़ा ना अंदर गुम थी वजे। तो ये थोड़ी जी मेरे को गलती थी है तुसा ये गलती ना कराए अग तेज ना रखा है अग जिमें धीमी आई ऐसा आई उमें रावी है इंदे नाल मेरे को क्या थी है प्रॉब्लम इंदे जड़े किनारे है ना ज्यादा डार्क थी गए इंदी अग तेज नहीं रखनी उमें हल्की रखनी जो पहले हल्की आई ताकि साइडा भी इंदा बड़ा लाइट गोल्डन थी वजन ते दरमियान में जड़ा इंदा ज्यादा देखो मिक्सचर थोड़ा जो मजीद फैला दो दरमियान में ज्यादा कोट ना हो इंदा मजीद फैल वजे। तो साइड से सारा दूध भी बॉयल थी ना पे ते असा हुण इंदी आग बिल्कुल स्लो कर लेसूँ जिवे दम दिता वेने इतना स्लो कर लेसूँ दम वाली शक्ल विच गिरनासूँ आग को ते असा एक दम ही देवने ताकि उत्ते वाली चीज़ भी इंदी तैयार थी वजे। असा एक दम ते छोड़ दिते 2 मिनट वास्ते हल्की आँच से थोड़ी देर बाद आके कुड़े दे से इंदी क्या सूरत हाल है। तो तुसा भी साड़ी वीडियो देते रहो ते इको ही तकरीबन सारा टाइम थी वेंदे साड़ी रेसिपी दा ते सारे दूध तैयार थी वन दा दूध दे उत्ते भी असा जाली रख दी है दूध भी सारा तैयार थी गए वह भी दम ते आ गए ते आके असा एक कुड़े से माशाल्लाह बड़ा अच्छी जी खुशबू है ते दिल करना पे इवें ही बंदा एक खा गिने ते बड़ा तैयार थे खड़े चूल्हे के उत्ते अग बंद कर लीती असा ते इंदे हुण असा आराम नाल साइडा खोल ले सू पहले आहिस्ता आहिस्ता इंदा साइडा खोल के देखो बड़ा आराम नाल ईजी क्योंकि असा इंदे पहले भी घी पाता आई बाद च ऑयल पाता आई कोई प्रॉब्लम नहीं थी पी को खुलन वास्ते आराम नाल ईजी ये लूज थी गए आराम नाल डिश आउट थी वे सी मसला को इन्हें थी सी माशाल्लाह देखो बड़ा आसानी के नाल तैयार आना पे कोई ना टूटने का खतरा कोई नहीं डर कोई नहीं बड़ा इजी आराम नाल डिश आउट थी गए बड़ी सोहनी खुशबू है दिल करता पे फौरन खा गए बड़ा नरम तो खस्ता है बड़ी सोहनी जी शेप है शक्ल भी अच्छा क्योंकि बहुत गर्म है फिलहाल इन्हें पीस नहीं बने टुट वे सी एक थोड़ा ठंडा थी वाले आए ठंडा थे एक टेबल तक गिन वेसूँ एक कोई ठंडा करें से वाली को कटिंग करें से तो साई की कटिंग देखो माशाल्लाह देखो मैं तो पहले भी आख्या मेरे थोड़े जे किनारे डार्क ब्राउन थी गए ब्राउन नहीं तुसा अग तेज नहीं करनी एक ब्राउन रखना है तो तुसाई की शक्ल लेते पवे तो एक असा चक के दे दे तो इंदे नाल गिन दे से इजाजत बिजी बेबे को लो इजाजत थोड़ा सा खा के वाल तो अब लिखे थे इंदा मजा तो पीछे गिन दे इजाजत सा प्लेट भी भजन लग गई केक को देख के असा तो कोई शक्ल लिखा के तुहाड़े मुँह च पानी आता पिया हो सी
तो जिन्हों को मिठे चीज वास्ते दिल करना पे तो थोड़े को थोड़े थोड़े चीज़ा घर में मौजूद हो जन तो फौरन वन के को तैयार कर गिनो खा गिनो वल साकू दसाओ किशो जी आए साकू दे इजाजत वल मिलसूँ भी रेसिपी के नाल इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।